नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और इस हफ्ते आपको मिलवाने जा रहा हूं भोजपुरी की एक ऐसी चुलबुली अभिनेत्री से जिनका नाम है रॉबिन किलोस्कर उर्फ मुस्कान जी। मुस्कान बिहार के एक ऐसे शहर से आती हैं जिस शहर को पूरी दुनिया में केले के कारण जाना जाता है, लेकिन अब उस शहर की पहचान मुस्कान की पहचान से जुड़ने लगी है। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं हाजीपुर वाली मुस्कान की, जो अब भोजपुरी सिनेमा में भी अभिनेत्री के तौर पे नजर आने वाली है। तो आ जाइए जान लेते हैं मुस्कान से ही कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, सफर कैसा रहा। मुस्कान जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा रहा मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर? नमस्कार, पहले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप देख रहे हैं हमें, आप हमें पसंद करते हैं, इसलिए हम आपके सामने और भी कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम रॉबिन किर्लोस्कर है और लोग मुझे मुस्कान राज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली हाजीपुर से हूँ और हाजीपुर इतनी भी डेवलप्ड सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कुछ अच्छा करने की। और बात रही मेरी मॉडलिंग फील्ड में आने की, तो मैं पिछले 6 साल से मॉडलिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं पटना से अपनी करियर की स्टार्ट करी मैंने और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ बढ़ के 2018 की मैं मिस इंडिया बनी और 2019 में मिस इंडिया यूनिवर्स में मैं मिस पॉपुलर बनी। उसके बाद फिर इन सब से मैंने सोचा कि और प्रमोशन होते जाता है किसी भी चीज़ का, तो मैं और आगे बढ़ते बढ़ते उसके बाद फिर मेरा आना हुआ इस इंडस्ट्री में, यानी कि एक्टिंग इंडस्ट्री में। और उसके बाद मुझे सबसे पहली ब्रेक दी रमाकांत जी ने, जिनकी 2 फिल्में मैंने की है, एक इंडियन मिराज और दूसरी देवर आंख मारे। ये दोनों ही बहुत अच्छी फिल्में थी, अच्छी गई, रिस्पांस भी सबका बहुत अच्छा आया। और उसके साथ ही साथ अभी जस्ट मैं कुछ दिनों पहले मुंबई में 2 फिल्मों की अपनी मूर्त करके आई, जिसका एक नाम था सुपरस्टार भैया जी और दूसरे का नाम था टारगेट। दोनों ही बहुत अच्छी फिल्म है, उसकी स्टोरी सुनी है मैंने, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं और काम करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। रविंद्र जी, हाजीपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर पहले पटना और फिर मुंबई में खुद को स्थापित करने में क्या कुछ परेशानी आपको आई? ये एकदम सटीक क्वेश्चन आपने किया, ये एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन जाता है एक एक्टर्स के लाइफ में, या फिर वो जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं जो एक छोटे शहर से निकल के जाते हैं। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आए जिसको मैंने फेस किया है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस मिला। चूंकि मैं जब मार्शल आर्ट्स करती थी, बहुत छोटी थी, 14-15 साल की, जब तभी से मैं जब घर से निकलती थी, स्कूल जाती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस मैं करती थी, चूंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, साथ साथ मैं एंकरिंग भी करती हूँ। तो मार्शल आर्ट्स करने के लिए मैं जाती थी, तो घर से पाँव बाहर निकलता था, उसे वैसे ही कमेंट आता था, देखो लड़की है लड़ाई मार करके आ रही है, ऐसे बहुत ही इनकन्विंसिंग बात जो अभी बोल भी नहीं सकते, अनकम्फर्टेबल होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, नाच करती है, दिस करती, दैट करती, लेकिन जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं वो इस कान से सुनते हैं, इसे निकालते हैं। चूंकि घर के ही कुछ लोग थे जो ऐसा कमेंट देते थे, लेकिन फिर भी उसको मैंने अवॉइड किया। मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, उन्होंने सपोर्ट किया। पहले डैड का भी थोड़ा कम सपोर्ट था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि नहीं कर सकती हमारी बेटी, तो मॉम का डैड का बराबर सपोर्ट मिला, उससे कर करके मैं और आगे बढ़ी, फिर इस इंडस्ट्री में आई। और तब फिर जाके जब एक होता है इंसान को एक पोस्ट मिल जाता है, जब लोग जाने लगते हैं, तो आज सारा समाज का साथ है, सब लोग बहुत प्यार भी देते हैं। आज वही लोग कहते हैं ये हमारे घर पर बैठी आई, यहाँ ये यहाँ ये सब, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि नहीं ये होता है, ये कर सकते हैं। वरना मैं एंकरिंग भी करती थी बिहार के कॉर्पोरेट इवेंट जितने होते थे वो भी, तो वो लोग कहते थे ये क्या होता है माइक लेके कहीं भी चिल्लाना, ऐसे से इनकन्वीनियंस बातें होती थी। लेकिन फिर भी अब आप मॉडलिंग से फिल्मों में आ गई हैं, क्योंकि अब बिहार से है बहुत सारी कहानियां नवोदित लड़कियों के बारे में पूरी इंडस्ट्री में तैरते रहती हैं, क्या मानती हैं कि घिरी हैं इस इंडस्ट्री में भोजपुरी? अगर इसकी बात करें तो सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं है, पूरी दुनिया में है, लेकिन चूंकि आप भोजपुरी में आई हैं और आपने संघर्ष, आपने मार्शल आर्ट भी सीखा है, आपने संघर्ष भी किया है, आपके पीछे बहुत बड़े एक अच्छे लोगों का सपोर्ट भी है, इसलिए आप उन चीजों को बेहतर बता सकती हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या है या नहीं है? बिल्कुल है और है, और अगर थोड़ा थोड़ा कुछ लोग हैं वैसे, क्योंकि अच्छे लोग नहीं है तो शायद ये दुनिया नहीं चल रही होती है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि नहीं आप हमारा काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और सीधी से एक वर्ड आती है जो शायद बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन आती है ये शब्द कॉम्प्रोमाइज, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ। लेकिन जहां ये शब्द आती है, कॉम्प्रोमाइज कौन लोग करते हैं वो आज मैं आपको बताती हूँ। कॉम्प्रोमाइज वो लड़कियां करती हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इंडस्ट्री में आने के, फिल्म करने के। लेकिन सिर्फ मेरा इसके लिए एक्टिंग ही नहीं था, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स कैरी करती हूँ, योगा कैरी करती हूँ, तो मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी। नहीं, मैं आपको काटना चाहूंगा, अभी भोजपुरी में एक बहुत बड़ा, आपने तो सवाल इतना जबरदस्त जवाब दिया है, भोजपुरी की जो अभी टॉप की नायिका है वो भी ये काम कर चुकी है और वो अपने मुंह से कह रही है,
आप और हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहां से आप मानती हैं कि नवोदित लड़कियां आती हैं, वो मौके का फायदा उठाती हैं, बदले में उन्हें कुछ देना पड़ता है? ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि भोजपुरी में जिसको टॉप बनना है टॉप हीरो को पकड़ो। आप इसको कैसे लेती हैं अपने हिसाब से? इसका भी बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास। इस इंडस्ट्री में बढ़ने के लिए तीन टाइप के लोग होते हैं जो बहुत इजीली बढ़ते हैं। सबसे पहला अनुज जी, जिनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके मम्मी पापा हो, पैसा लगा देंगे बढ़ा देंगे। दूसरा जो इजली उस काम को कर ले, जो मैंने आपको बोला जो इनकन्वीनियंस होगा। और तीसरा वो लोग होते हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं, टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है, और जिनका थोड़ा बहुत कहीं कहीं लिंक होता है, जो लोग सपोर्ट करे तब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वही है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे अनुप जी आज तक मेरे पास आए, ऐसी लोग ने कॉन्सेप्ट रखा कि हमारी ये फिल्म है, आप ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, लेकिन बहुत इनकन्वीनियंस बात है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत चूजी हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे फिल्में किए, कम किए, भले साल में एक फिल्म करूँ दो फिल्म करूँ, लेकिन अच्छी करूँ। क्योंकि चाहती मैं तो आज भी ऑफर्स आते हैं कि आप हिंदी का कर लो, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर आगे बढ़े, तो इसके लिए मैंने भोजपुरी को कैरी किया। और मैं सीरियसली चाहती हूँ कि मैं एक समाज को एक अच्छा मैसेज दूँ, मोटिवेशनल चीजें। सिर्फ ये नहीं है कि भोजपुरी का मतलब डबल मीनिंग बातें है, वल्गैरिटी, ऐसा नहीं है। पहले की भी काफी सारी फिल्में थी, तो क्या आप मानती है भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है? भोजपुरी बहुत साफ सुथरी भाषा है। भोजपुरी फिल्मों में जो लोग काम कर रहे हैं साधु संत सन्यासी हैं, गंगा का प्रवाह हो गया है भोजपुरी फिल्मों में। क्या आप इसको सीधे इनकार करती हैं कि अश्लीलता नहीं है, लोभीबाजी नहीं है, गंदगी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लड़कियों का शोषण नहीं है, कलाकारों को उचित मेहनताना नहीं मिलता है, फिल्मों के टाइटल ऐसे होते हैं जिनको कहानी अच्छी होने के बावजूद लोग परिवार के साथ सिनेमा घरों में नहीं जाते हैं? क्या आप मानती हैं कि ये सब एक दिन में खत्म हो जाएगा, या जो लोग भोजपुरी के तारनहार हैं वो बहुत बेहतर हैं? कतई नहीं कहती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं अकेले में इनके चेंज कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी अगर हम साथ रखें, हमारे साथ और दो लोग जुड़ते हैं इस चीज को क्लियर कर। देखिए इंडस्ट्री में सिर्फ ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हिंदी में भी होता है, ये बाहर जितने भी इंडस्ट्री उन सब में होता है। लेकिन सबसे मेन चीज होती है कि आप खुद में कैसे हैं, आप किसी से झुक के, देखिए एक डिसिप्लिन होता है कि आप किससे कैसा बात करते हैं, कि क्या आपके बारे में लोग सोचते हैं। और इस इंडस्ट्री में है वैसे कुछ लोग जो सीरियसली उस जो ठग रहे हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपको काम दे देंगे, ऐसा दे देंगे बहुत सारी चीजें। तो आप उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगिए, आप देखिए कि वो क्या किया है, उन्होंने क्या नहीं किया। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। जो आज टॉप मुकाम पे है वे कहते हैं कि मुझसे भोजपुरी है, भोजपुरी से मैं नहीं। हाँ, ये एक आया था, आया नहीं था वो, किसी का मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि कलाकार आते हैं जाते हैं, भाषा अपनी जगह पे होती है। आप नवोदित कलाकार हैं, मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूँ कि आप कलाकारों से भोजपुरी है या भोजपुरी से कलाकार? कलाकारों से भोजपुरी और भोजपुरी से कलाकार। देखिए भोजपुरी एक संस्कृति है हमारी, और भोजपुरी हमारी लैंग्वेज है। और कुछ लोग हैं, जैसे मूवीज तो बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ एल्बम्स आजकल ऐसे आ रहे हैं जो डबल मीनिंग बातें बोल ही दे रहे हैं। अब वो बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप डबल मीनिंग बातें बोल रहे हैं भोजपुरी। सिर्फ भोजपुरी नहीं, हिंदी में भी ये चोली के नीचे पीछे ये सब क्या गाना था, आज भी बहुत सारे ऐसे सेंसर है। उनका जवाब होता है सेंसर है। हाँ। और सेंसर में ऐसे लोग बैठे हैं कि भोजपुरी फिल्मों का सेंसर मलयालम जानने वाले लोग करते हैं, भोजपुरी फिल्मों का सेंसर तेलुगु जानने वाले लोग करते हैं, भोजपुरी जानने वाले लोगों को भोजपुरी फिल्मों के सेंसर बोर्ड में नहीं बैठाया जाता है। रोबिन जी, आपसे चलते चलते एक सवाल कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से परिभाषाएं दे रही हैं, क्या कुछ होगा आपका लक्ष्य कि आप झुकेंगी, अडिग रहेंगी या अपने शर्तों पे काम करेंगी? अगर बिहार से मैं कदम बढ़ाया है, मैंने बैकआउट तो नहीं हो सकती हूँ कभी, क्योंकि हमारे बिहार से जितने आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, हमारे यहाँ हमें झुकना कभी नहीं सिखाया, मेरे पेरेंट्स स्पेशली जो संस्कार उन्होंने दिए हैं और बहुत सपोर्ट भी किया है, तो बैकआउट तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकती हूँ। चलूंगी, गिरूंगी, संभलूंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं कभी जिंदगी में। तो एक हौसला लेके आगे बढ़ी हूँ, आप सबका सपोर्ट है, आप भी सपोर्ट करते हैं मुझे, तो बस यही चाहती हूँ कि आप सब सपोर्ट करो, कुछ नया करने की कोशिश जरूर कर रही हूँ, आई होप कर पाऊंगी मैं। ये है रॉबिन किलोस्कर, और इनका मानना है कि शोषण सभी इंडस्ट्रियों में होता है, भोजपुरी में कुछ ज्यादा है। इस पे रोक लग सकता है, जो नई लड़कियां आती हैं अगर उनके अंदर टैलेंट है और उनको खुद पे भरोसा है तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसमें उसकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है। रॉबिन का सीधा मानना है कि संघर्ष का रास्ता कभी भी गलत नहीं हो सकता है, और आने वाले दिनों में ये संघर्ष करेंगी और अपने बलबूते, अपने घर परिवार, अपने
जिले और बिहार का नाम रोशन करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरे कलाकार के साथ इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा।